एक्सरसाइज नंबर है आपकी 4.6, पेज नंबर 85। आपसे कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है। आप ए बी सी माइनस डी का डी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट्स गिवन है जो आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट करने हैं। आपने इनका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। इसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी फोर। जब आप दो टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद थर्ड वाले ब्रैकेट का भी आपने क्या फाइंड करना है, जो इसका आंसर होगा उसके साथ थर्ड वाले ब्रैकेट का प्रोडक्ट करना है। तो अगर आप देखो प्रीवियस क्लासेज में, जब हम स्कूल में थे, हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था, जब आपको ए माइनस बी ए प्लस बी कहीं नज़र आए तो आप उसकी रिप्लेसमेंट पे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक वैल्यू ए की मिलती है, सेकंड वाली वैल्यू बी की मिलती है। दोनों वैल्यूज के मिडिल में जो साइन है वो कौन सा है, माइनस का है। तो ये बना हमारे पास ए माइनस बी। फिर सेकंड वाले ब्रैकेट में देखें, फिर ए की वैल्यू देखें, ए बी सी बिल्कुल सेम है। फिर बी की वैल्यू देखें, डी डी स्क्वायर बिल्कुल सेम है। अब एक वैल्यू, एक ब्रैकेट माइनस का है और एक ब्रैकेट प्लस का है। तो जब आपको मिलता है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है किसके बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टार्ट के टू फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब आप लिखोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की रिप्लेसमेंट पे लिखोगे ए बी सी और बी की रिप्लेसमेंट पे लिखोगे डी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। थर्ड ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करोगे। अब फिर देखिए, अब स्क्वायर को तमाम वेरिएबल्स के ऊपर वन बाय वन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल की पावर वन है, ए की पावर वन तो बन जाएगी ए स्क्वायर, बी की पावर वन बन जाएगी बी स्क्वायर, सी की पावर वन बन जाएगी सी स्क्वायर, माइनस डी की पावर टू और बाहर टू। तो जब पावर्स पे पावर होती है, द लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर यूज़ करते हैं। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, टू टू जो कितना हो गया, फोर। अब इस थर्ड वाले ब्रैकेट एज इट इज, अब देखिए, अब ये टू ब्रैकेट्स फिर रह गए आपके पास, फिर दोनों ब्रैकेट्स आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करना है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमने देखा, हमें नज़र आया ए माइनस बी, सेकेंड वाले ब्रैकेट में देखा ए प्लस बी। अब फिर फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है किसके, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए के रिप्लेसमेंट पे आप रखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी के रिप्लेसमेंट पे रखोगे डी फोर। अब फिर आपको बेस पे पावर और फिर अगेन पावर नजर आ रही है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है, दोनों आपस में क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो ए की पावर फोर, बी की पावर फोर, सी की पावर फोर माइनस डी की पावर एट। तो ये आपने तीनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है गिवन वैल्यूज, गिवन ब्रैकेट्स का, गिवन वैल्यूज का क्या करना है, गिवन टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब हम यह फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं इसमें ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अगर बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये तमाम वैल्यूज सेकेंड वाले ब्रैकेट में मिलती हैं और एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस का साइन हो, तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले ए डिसाइड करते हैं, ये पूरी वैल्यू बन गई है, यहाँ ये पूरी वैल्यू बन गई है, बिल्कुल सेम है जी, ये हो गया ए। सेकेंड वाली वैल्यू बी, सेकेंड वाली वैल्यू बी, तो बना ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए के रिप्लेसमेंट पे आप लिखोगे, ए की जगह लिखोगे आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी बी के रिप्लेसमेंट पे लिखोगे जेड। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए गौर से, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है ए
प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ए की जगह रखेंगे एक्स, बी की जगह रखेंगे वाई, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करोगे, वाई का स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। ये आपने सेकंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करेंगे, क्या है आपके पास, टू माइनस एक्स क्यूब, टू प्लस एक्स क्यूब, इन टू को आप आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ा फोर, फिर टू को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स। लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करेंगे। हेल्प ऑफ फार्मूले में हम क्या करते हैं, जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में ए की वैल्यू और सेकेंड वाली ब्रैकेट में ए की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक। फिर देखते हैं बी की वैल्यू एक्स की पावर थ्री, बी की वैल्यू एक्स की पावर थ्री बिल्कुल सेम है। एक ब्रैकेट माइनस में होना चाहिए और सेकेंड वाला ब्रैकेट प्लस में होना चाहिए, या फिर पहले प्लस में हो या बाद में माइनस में हो, इसमें कोई मसला नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या मिला, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है किसके बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए दोनों में ए कॉमन है तो ए के मतलब टू लिखेंगे, टू का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह रखेंगे एक्स के पावर थ्री, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स एज इट इज, सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व एज इट इज। अब आप इसे पहले सॉल्व करेंगे तो टू की पावर टू कितना हो जाता है, फोर माइनस एज इट इज, पावर के ऊपर पावर अप्लाई होती है तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ पावर थ्री टू ज़ा सिक्स। आप देखिए आपके पास फिर फोर ब्रैकेट्स थे आपके पास, रिड्यूस हो गए कितने रह गए, थ्री। अब आप फिर स्टार्टिंग के टू ब्रैकेट्स को रिड्यूस करेंगे, फिर देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट एज इट इज सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व। तो ए के रिप्लेसमेंट पे क्या लिखेंगे, फोर, बी के रिप्लेसमेंट पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर सिक्स। फिर पावर रिड्यूस करेंगे तो फोर फोर ज़ा कितना होगा, सिक्सटीन माइनस एक्स की पावर ट्वेल्व। अब ये ब्रैकेट रिड्यूस होते होते टू रह गए, अब फिर दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। फिर देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिक्सटीन का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर ट्वेल्व का स्क्वायर। तो 16 16 से कितना होता है, 16 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 256 माइनस एक्स की पावर 12, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी कितनी हो जाएगी, 24। तो आपने इसको क्या करें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन फोर ब्रैकेट्स, ये आपने क्या फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है प्रोडक्ट आपके पास, 256 माइनस एक्स की पावर 24। कैसे प्रोडक्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो रिड्यूस होकर सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल ब्रैकेट रह जाएगा। देखिए फर्स्ट टू ब्रैकेट्स अब देखो रूट एक्स को जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपल एक्स रह जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, रूट वाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो ब्रैकेट्स जो थे स्टार्टिंग के प्रोडक्ट होने के बाद रिड्यूस होकर सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए और रिमेनिंग ब्रैकेट्स एज इट इज। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2.5 में हमने पढ़ा है, तो ये हो गया एक्स, फिर ये माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर आप दोबारा से स्टार्टिंग के टू ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करके रिड्यूस करेंगे तो फिर वो सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपके पास क्या मिला, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ए के रिप्लेसमेंट में रखोगे एक्स, बी के रिप्लेसमेंट रखोगे वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप सिंगल ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, तो फिर आपको मिला ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया एक्स फोर माइनस वाई फोर।